व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू इलेक्ट्रिटिक। तो आज हम सुनने वाले हैं मैं रवा बाय ईपीआर, प्रोड्यूस बाय जीजे स्ट्रॉम। और ईपीआर भाई और जीजे स्ट्रॉम की जोड़ी तो सभी को पता है कैसी है। और ये प्रोटेस्ट पोएट्री एल्बम का 6 ट्रैक है, आई थिंक सो, हाँ 6 ट्रैक है। और हम प्रोटेस्ट पोएट्री एल्बम रिव्यू कर रहे हैं, रोज एक रिएक्शन से ब्रेकडाउन लाते हैं और साथ में मिस्टर नायर एल्बम रिव्यू भी कर रहे हैं, तो वो भी चेक कर सकते हैं अगर आप ईपीआर भाई के फैन हैं। तो थोड़ा और म्यूजिक भी सुना है, तो देखते कैसे होने वाला है ये गाना। और ये एमटीवी हसल में भी परफॉर्म हुआ था, क्योंकि शायद एमटीवी हसल लिखा है उसके बगल में। तो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं रिकॉर्डिंग को। इस चैनल पे हम बार्स को ब्रेक डाउन करते हैं और अदर टेक्निकलिटीज में भी फोकस करते हैं, जैसे कि केडेंस, डिलीवरी, मेलोडीज वगैरह वगैरह। तो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। एंड ईपीआर है तो बार्स तो होने ही है और बीट भी सिक होने वाली है, प्रोडक्शन सिक होने वाली है, क्योंकि जीजे स्ट्रॉम नेवर डिसअपॉइंट्स। तो देखते हैं कैसे होने वाला है। बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। एंड ऑल ईपीआर फैंस, यू नीड टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल ब्रो। तो 1 2 3 लेट्स गेट इट। ओके पियानोस, थोड़ा सीरियस ख्यालों में मैं डूबा रूबरू मेरे सवालों के, जानू ना क्या आरज़ू तेरी, कारवाई चलती सांसों। ओके एक सेल्फ टॉक वाला गाना होने वाला है, क्योंकि कि मैं ख्यालों में डूबा हूँ, कि अपने ही सवालों के ख्यालों में मैं डूबा रहता हूँ। और फिर और जानता भी नहीं कि क्या आरजू मेरी, क्या ख्वाहिश है मेरी, क्या मंजिल है मेरी, मैं ये भी नहीं जानता। और कारवा है ये चलती सांसों की, मतलब मैं जो चल रहा है वो चलने दे रहा हूँ। ओके सेल्फ टॉक वाला गाना है। ओके कितने गेंद कागजों के फेंके ठहरे फैले मैले भूमि तल में की भूमिका निभाने किसकी मुझको। अरे भाई ईपीआर भाई हर गाने में एक अलग ही फ्लो के साथ आते हैं। एक तो एक राइम स्कीम इतनी अनऑर्थोडॉक्स होती है और साथ में ये फ्लो भी नए ला रहे हैं ब्रो। आ जाओ कितने गेंद कागजों के फेंके ठहरे फैले मैले भूमि तल में की भूमिका निभाने किसकी मुझको, पूछता जी खुद से खुद की खुद को। ओके कि मैंने बहुत सारे पन्नों की गेंद बनाकर फेंकी, मतलब मैं लिखता था उस पर और फिर कुछ अच्छा सूझता नहीं था तो मैं फेंक देता था, मतलब खुद से ही ऐसा होता है ना, कितनी बार जब तुम लिखते नहीं हो, फिर जब तुमने देखा होगा कितने शोज टीवी वगैरह में कि तुम ऐसे लिखते हो कुछ सूझता नहीं अच्छा, तो वापस उसको फाड़ के वैसे फेंक देते हो। गेंद बना के मैंने फेंके और फिर खुद से ही पूछता हूँ कि मेरी भूमिका क्या है, मेरी इस जीवन में मेरा क्या वो है कि मेरी भूमिका क्या है, मेरे को क्या करना है जीवन में, ये मैं खुद से पूछता हूँ ब्रो। ये होता है ब्रो सभी के साथ एंड इसके बारे में लिख रहा है ब्रो, देखते हैं कैसा आता है। तल में की भूमिका निभाने किसकी मुझको, पूछता जी खुद से खुद की खुद को, पुस्तकों के पन्नों में मैं कब्जा, ये किसकी पंक्ति या ये किसका जज्बा, गरज रहा मैं प्रश्नों का वो बादल, कश्मकश ऐ जिंदगी के काबिल, गरज रहा मैं प्रश्नों का वो बादल, की खुद से खुद पे मैं गरज रहा हूँ, जैसे प्रश्नों का बादल है जैसे, वैसे मैं खुद पे गरज रहा हूँ। और फिर क्या बोला, कश्मकश जिंदगी के काबिल, मुसाफिर की आखे क्यों सागर से यासी में तूफा यू बना। शायद ही मैं साहिल को इल्ज़ाम दूँ, मतलब जो किनारा होता है, किनारे को मैं क्यों इल्ज़ाम दूँ, साहिल मतलब किनारा होता है, और नाविक की आश्रा हूँ, मतलब नाविक होता है जो शायद बोट चलाता है, तो मैं उसको आश्रा देता हूँ, उसको होप देता हूँ। और ये मेटाफोर करना चाहूँगा, इसका डीप मीनिंग होगा कि मैं ऐसा पीपल को, जैसे उसमें भी बोला था ना ईपीआर में, कौन सा गाना था यार, पहला ट्रैक था, नाम याद नहीं आया, श्रीनी बना ईपीआर में, आई एम होप फॉर द होपलेस, तो यही कि मैं उनको होप देता हूँ किनारे की। ओके आशा डीप लाइंस यार, मुसाफिर की आंखें क्यों सागर से यासी में तूफान, यू विनायत है लब सो का मुझ पर, ख्वाबीदा झूठों को सच बनकर वास्तविक, ब्रो ये लाइंस, इनायत है लफ्ज़ों का मुझ पर, ख्वाबीदा झूठों को सच बनकर। इनायत मतलब होता है कोई कृपा, या फिर कृपा होती है कि कृपा है मेरे पे लफ्ज़ों की, कि मैं जो ये ख्वाबीदा बातें होती है, जो ख्वाब वाली बातें होती है, झूठी बातें होती है, मतलब ये जो सपने में देखते हो तुम बातें, उनको सच बना देता हूँ। ओके ब्रो एंड झूठों को सच बनकर, झूठ एंड सच आर ऑक्सीमोरॉन। तो ब्रो देयर टेक्निकलिटीज में भी खेल देंगे, डीप लिरिक्स भी लिख देंगे, एंड फ्लो इज ऑल्सो गोइंग सो, एंड बीट इज ऑल्सो गोइंग गुड, जो पीछे मेलोडी बनाई है ना पियानो से।
लफ्जों का मुझ पर ख्वाबीदा झूठों को सच बनकर वास्तविकता के शीशों पर वार प्रहार दरार वास्तविकता के शीशों पर पार दरार प्रहार मतलब मैं रियलिटी दिखाता हूँ सोसाइटी की, वो करते ही आ रहा है पिछले अभी 5 गानों से रियलिटी दिखाते आ रहा है कि मैं रियलिटी दिखाता हूँ और उस पर वार प्रहार दरार मतलब उस पर मैं आवाज उठाता हूँ। ओके ओके ब्रो सच बनकर वास्तविकता के शीशों पर वार प्रहार दरार ब्रो जो मिक्स काफ़ी अच्छा करा है जो अभी मैं रहा हुआ फिर उसमें एक एडलिप में एक हाई नोट पे लेफ्ट में पैन होते हुए आया ब्रो। मिक्स भी जीजे स्टॉर्म ही करता है ना शायद प्रहार दरार इधर भाई वायलिन से मेलोडी बना ली जो पीछे पियानो से मेलोडी चली थी उसके साथ वायलिन भी लिया है ब्रो। दैट इज साउंडिंग टू सिक ब्रो। जो क्लासिकल वाइब आ रही है पुरानी जो क्लासिकल वाइब आती है ना वो भाई जीजे स्टॉर्म भाई क्या करते पिछले गाने में तुम गिटार लिया इसमें वायलिन लिया है ब्रो तुम इंस्ट्रूमेंट छोड़ोगे नहीं क्या कोई के संगति में रंगत फंगस न लगते मुझे पे पत्थर संघर्षों की संगति में रंगत मतलब अगर तुम संघर्षों की संगति में रहोगे संगति किसकी संघर्ष की संगति में रहोगे तो रंगत आएगी मतलब उससे तुम और अच्छे बनोगे एज अ पर्सन बहुत अच्छे बनोगे और फंगस ना लगते मुझ पे मैं पत्थर फंगस पत्थर पर फंगस नहीं लगते और मुझ पे भी फंगस नहीं लगते मतलब मेरी सोच पर फंगस नहीं लगते। ओके ब्रो डीप लाइंस ब्रो सिंपल वे में ऐसा पोएटिक बोला है और भाई की हिंदी वीक है और ऐसे शब्द यूज कर रहे हैं भाई बताओ यार रोलिंग संघर्ष के संगति में रंग फंगस न लगते मुझ पे और थोड़ा मैं पॉज कर रहा हूँ सॉरी लेकिन देखो संघर्षों की संगति में रंगत फिर फंगस रंगत और फंगस वैसे राइम नहीं करता लेकिन जिस वे में तुम डिलीवर करते हो फोनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वैसे ही प्यार भाई भी बैंड कर देते हैं ना वर्ड को रंगत फंगस ये राइम कर रहा है ब्रो इंटरनल राइम्स बहुत सारी है पत्थर रोलिंग मेरी सोच में श्रोडिंगर ये आग रोलिंग मेरी सोच में श्रोडिंगर श्रोडिंगर एक साइंटिस्ट है लेकिन रोलिंग का ऐसा कुछ कनेक्शन है एक मिनट मैं गूगल कर लेता हूँ फिर मेरे को गलत नहीं होना कोई बात पे। ओके भाई यार ईपीआर भाई कहाँ से लाते हो शायद श्रोडिंगर की एक इक्वेशन या वेव फंक्शनल ऐसी कुछ था ऑन रोलिंग टैक्यून तो फिर मेरे को इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ भाई मैंने तभी तो साइंस छोड़ी थी और तुम मेरे को साइंस में वापस ले आ रहे हो यार ईपीआर भाई व्हाट इज दिस ब्रो। और फिर क्या रोलिंग मेरी सोच मैं श्रोडिंगर रोलिंग जो इसका था और फिर मैं श्रोडिंगर श्रोडिंगर साइंटिस्ट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट तो फिर मैं श्रोडिंगर प्लस क्या बोला था पत्थर रोलिंग रोलिंग स्टोन वर्ड प्ले ऑन रोलिंग स्टोन भाई ईपीआर भाई फंगस ना लगते मुझ पे पत्थर रोलिंग मेरी सोच मैं श्रोडिंगर ये आग इस्तरार फितरत हिम्मत है आंखों में ठूसे मेरे जूते तजुर्बे का रूप ले टूशे मुहावरों का बूफे मेरे ऊटे ब्रो 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 मैं अभी ई साउंड्स के साथ इंटरनल राइम्स देखना ई साउंड्स के साथ हिम्मत आंखों में ठूसे मेरे जूते तजुर्बे का रूप ले ई साउंड्स के साथ इंटरनल राइम्स जो क्रिएट करिए भाई दैट इज मेरी सोच में श्रोडिंगर ये आग इस्तरार फितरत हिम्मत है आंखों में ठूसे मेरे जूते तजुर्बे का रूप ले ओके मेरे जूते तजुर्बे का रूप ले मेरे जूते तजुर्बा मतलब होता है एक्सपीरियंस तो तजुर्बे का रूप ले कि मैं जो चलते रहता हूँ और मैं घिसते रहता हूँ अपने जूते वो एक एक्सपीरियंस के काम आते हैं और मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ से एक एक्सपीरियंस लेके जाता हूँ। ओके ओके इस्तरार फितरत हिम्मत है आंखों में ठूसे मेरे जूते तजुर्बे का रूप ले टूशे मुहावरों का बूफे मेरे ऊटे जहाज रेगिस्तान ओके ओके टूशे मुहावरों का बूफेट ओके ओके कि टूशे मतलब होता है कि जैसे अपनी अपनी कोई अपनी तारीफ करना एक ह्यूमरस वे में करते हैं ना जैसे तो बोला मेरे पास मुहावरों का बूफेट है ओके ओके बूफेट मतलब तो सभी को बताओ शादी में खाना खाते हो ना तो वही ओके और फिर मेरे ऊटे जहाज रेगिस्तान से पूछे रेगिस्तान ऊट ओके भाई ईपीआर भाई तुम क्या करते हो ब्रो तजुर्बे का रूप ले टूशे मुहावरों का बूफे मेरे ऊटे जहाज रेगिस्तान से पूछे कूडेटा है रूह की चिपचिपाहट कुछ लिखित निशासनों की आहट फैसलों की सैकड़ों अदालत कट घरों में कैद अटके आहट राहत
ब्रो ब्रो, ये जो बोला ना कुचले कितने शासनों की आहट, ब्रो यस ब्रो, पेन से थ्रू जर्नलिज्म क्या होता है भाई, ने पेन से दिखा दिया ब्रो। और बहुत सारे भाई ऐसे ऐसे टॉपिक्स पे जो नाज है गाना था उन पे, दो जो दोनों लोगों के बारे में आता है मेरे को नहीं पता था। अभी और गाने भी आएंगे ब्रो इस एल्बम में, और जो मतलब ऐसे कितने लोग तो होंगे पता नहीं है। मैं रवा ये टॉपिक उठाया खुद से बात करने वाला, और ये टॉपिक बहुत अनकॉमन है ब्रो। बहुत कम लोग बोलते हैं कि जो जो अपने माइंड में चल रहा होता है ना वो लिखना इजी नहीं होता ब्रो, और उसमें भी इतनी राइम्स, उसमें भी टेक्निकलिटीज ब्रो। की आहट फैसलों की सैकड़ों अदालत तक, घरों में कैद अटके आहट राहत शहादत में साहस इजाजत की बाजुओं में ताकत। क्या ब्रो, रुको ब्रो, अब ए साउंड्स के साथ इंटरनल राइमिंग करिए। राहत शहादत में आदत, कैद अटके आ फैसलों में सैकड़ों अदालत, ओके ओके हाँ, कट घरों में कैद अटके, क्या ब्रो क्या बोल रहा है। शासनों की आहट फैसलों की सैकड़ों अदालत तक, घरों में कैद अटके आहट राहत शहादत में साहस इस राहत शहादत, शहादत मतलब शहीद होना होता है शायद, तो राहत शहादत में साहस, मतलब मेरे को शहीद होने की भी साहस है, तो यही ऐसे कुछ कहना जा रहा है। क्योंकि शहादत मतलब मेरे को जितना पता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ यार, ई पी आर भाई यार सॉरी यार, और क्या इजाजत हजारों में टक्कर। वो सैकड़ों अदालत तक, घरों में कैद अटके आहत राहत शहादत में साहस इजाजत की बाजुओं में ताकत। कहावत की सौ सुनार एक लोहार धार है तो जा और मैं। ओके ओके, कहावत है ना कि सौ सोनार एक लोहार, तो ताकत कहावत की सौ सोनार एक लोहार धार है तो जान। हाँ फैक्ट्स ब्रो फैक्ट्स, कि अगर ये कहावत सच तभी होगी जब धार धार हो उसमें भी, अगर धार ही नहीं हुई तो क्या फायदा ब्रो। ओके ओके, धार है तभी तो जान होगी। ओके राहत शहादत में साहस इजाजत की बाजुओं में ताकत। कहावत की सौ सुनार एक लोहार धार है तो जा और मैं। Makes it so good. दारू दारू मेरे सवालों के जानू ना क्या आरज़ू मेरी। डिले भी डाला शायद, और थोड़ा ऑटो ट्यून भी पुट इन करा है, फिर जो एड लिप्स में हाई नोट पे वोकल्स आ रहे हैं, मिक्स भी बहुत ऑन पॉइंट है ब्रो, और प्लस द फ्लो द म्यूजिक ब्रो। ईपीआर नेवर डिसअपॉइंट्स एंड जीजे स्टॉर्म नेवर डिसअपॉइंट्स भाई, मैं सच ही बोल रहा हूँ। सवालों के जानू ना क्या आरज़ू मेरी, कारवाई चलती सांसों की। दारू मेरे सवालों के जानू ना क्या आरज़ू मेरी, कारवाई चलती सांसों की। मेरवा डीजे पियानो एंड वायलिन का फ्यूजन। ब्रो 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 टू गुड, और इन भाई की हिंदी कमजोर है ठीक है ब्रो ब्रो, हिंदी कमजोर है इन भाई की, टू गुड। ऐड क्यों चल गया, रुको 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 भाई रुको, ये ऐड को भी अभी चल रहा है ब्रो। दिस वॉज टू गुड भाई, मैंने बहुत सारे बार्स मिस करूंगे, मिस इंटरप्रेट भी करूंगे, तो भाई माफ कर दो, कमेंट्स में बता दो जो जो गलती है, और मैं एडमिट करूंगा ब्रो, मैं कमेंट पिन कर दूंगा अगर कोई लेजिट लगेगा मेरे को तो। और ये भाई बहुत सीखता फ्रॉम द म्यूजिक, फ्लो इतना ऑर्थोडॉक्स भाई, फ्लो में पूरा नाच भी सकता हूँ भाई, ऐसे गाने मैं लूप में सुन सकता हूँ ब्रो। ये जो ऐसे चिल वाइब वाले गाने होते हैं, ये लिरिक्स कॉम्प्लिकेटेड लेकिन ऐसे इसको लगा के छोड़ दो ऐसे बंद करके, और फिर लेट जाओ ऐसे सुनो ब्रो, वो जो मजा आता है ना ब्रो। एंड मिक्स भी बहुत अच्छा था, प्लस द म्यूजिक। मैं जीजे स्ट्रॉम तो भाई क्या करते हो तुम, वायलिन के साथ खेल दिया, अब अगले गाने में पता नहीं किसके साथ खेलोगे तुम, मेरे को कुछ भी नहीं पता। और ईपीआर भाई की लिरिकलिटी तो भाई कभी छूटती नहीं है, प्लस द कंटेंट, जो मेन चीज ईपीआर भाई, ईपीआर का कंटेंट बहुत अच्छा होता है, जो भी ले लो भले वो अपने ऊपर भी गाना लिख ले, या फिर प्लस या फिर कोई सोशल टॉपिक्स पे लिख ले, या कोई स्टोरी बता दे भाई, ईपीआर नेवर डिसअपॉइंट्स, ईपीआर कैन डू भाई, ही इज द गोल्ड ब्रो। और ये एल्बम के बाद भाई मेरे को पता है ईपीआर कितना एक्सप्लोर कर लूँगा मैं ईपीआर को, और ईपीआर भाई की एक नई एल्बम भी आ रही है शायद रेगे हिंदुस्तान नाम की, वो भी एल्बम करेंगे अभी जब आएगी वो भी। तो ये था रिएक्शन, मैं ऑनेस्ट रिएक्शन देता हूँ, नहीं पसंद आता तो बोल देता, तो ये था रिएक्शन। अगर आपको रिएक्शन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और
बता दोगे कौन सा गाना पे रिएक्शन चाहिए, कौन सी ईपी पे रिएक्शन चाहिए, कौन सी एल्बम पे रिएक्शन चाहिए। और अगर क्या बोला था यार, मिस्टर नायर एल्बम रिव्यू देखना है तो वो भी देख लेना, क्योंकि वो साथ सबका म्यूजिक सुनते हैं और प्लेलिस्ट भी बना दिया मैंने, देख सकते हो उसमें भी। तो ये था, अब तो मिलता हूँ अगली वीडियो में। नहीं, रुको यार, मैं कितना कंफ्यूज हो रहा हूँ। यहाँ पे इंस्टा पे फॉलो कर लो, इंस्टा पे फॉलो कर लो। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट।